आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सिक्स पॉपुलेशन सेंसस, पांच पहले हो चुके हैं, छवां भी रिसेंटली हुआ है। और जैसे कि आपने कल परसों भी अखबार में सुना है कि जी वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने रिट कर दी है कि जी सेंसस सारा गलत हुआ है, जो गलत हुआ है जी उससे पहले पार्टी वाले बोल रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका है कि आपके साथ ये शेयर किया जाए कि इसके मुहरकात क्या है, इसके पीछे क्या है, सेंसस कैसे हुआ, क्या किया, क्यों ये प्रॉब्लम वाली है, कंट्रोवर्सी क्यों है। सारी दुनिया में सेंसस होते हैं, हमारा कोई अनोखा सेंसस तो नहीं होता। सो ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए ये आज करेंगे। और इसका जो मेरा टॉपिक है बात करने का, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा, प्रोविंशियल रिजल्ट्स, प्रोविजनल रिजल्ट्स, रिजल्ट्स प्रोविजनल हैं, अभी ये हतमी नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और कराची वर्सेस लाहौर पॉपुलेशन की जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जी कराची की आबादी को कम दिखाया गया है, तो इन पे मैं ये चीज़ें चीज़ें बात करूँगा। वैसे तो सेंसस जौन सा है, पॉपुलेशन सेंसस एक समुंदर है, उसमें जितनी आप बात कर लें वो कम है, बेशुमार इसके जाविये होते हैं, बेशुमार एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ ये आप बात कर सकते हैं, मगर मैं सिर्फ इन पे बात करूँगा। पहले सेंसस से पहले बात हो रही थी कि जी सेंसस क्यों नहीं हो रहा, हमारी आबादी कितनी है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। मसलन सरकार ने जो पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च किया था उसमें ग्रोथ रेट दी हुई थी 1.93, प्रोजेक्शंस 1998 के बाद 18 साल की प्रोजेक्शंस थी, प्रोजेक्शंस तो प्रोजेक्शंस रहती हैं, सो दोज वर प्रोजेक्शंस। 1.93% ग्रोथ रेट के हिसाब से हम अपनी आबादी का तायुन कर रहे थे, उसके लिए पॉलिसीज़ बना रहे थे अंदाजे से, क्योंकि जब तक सेंसस ना हो आपका कुछ सही पता नहीं चलता। सो जब सेंसस हो गया है अब शोर मच गया कि ये ठीक नहीं हुआ, किसी जगह आबादी कम हो गई है, क्यों कम हो गई है, हमारी आबादी को कम दिखाया गया है वगैरह वगैरह। और क्या परसेप्शंस क्या हैं, 2016 में सीएम सिंध कायम अली शाह साहब ने अपने असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि अगर सिंध की आबादी 7 करोड़ से कम हुई तो मैं सेंसस एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो पहले ही उनको पता था कि आबादी कितनी है। फिर एमक्यूएम वालों ने जैसे ही सेंसस का रिजल्ट आया उन्होंने कहा जी कराची की आबादी कम कर दिया था। कितनी आबादी होनी चाहिए जी, 2.5 करोड़ होनी चाहिए, अगेंस्ट 1.5 करोड़ जो कि हमारे है। पीपल्स पार्टी वालों ने वो सेनेट में शोर किया और वहाँ उस शोर से वो कह रहे थे कि जी कराची की आबादी 2013 में 2 करोड़ से ज़्यादा थी, उस पर भी बात करते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अब ये और ये पाक सरजमीन पार्टी ने अपडेट कर दिया है, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी जनरेट करने की बात है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बता दूं कि जी ये हमारे इलाके जो से पाकिस्तान का है, यहाँ सबसे पहला सेंसस 1881 में हुआ, अंग्रेज़ों ने करवाया, उसके बाद हर 10 साल बाद यहाँ सेंसस होता रहा, वो रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। इंडिपेंडेंस के बाद 51, 61, 72, 81, 98 और अब 2017 में सेंसस हुआ। मगर अभी देखने की ये बात है कि यहाँ क्या हुआ था, 81 के बाद क्या हुआ, 81 के बाद 91 में सेंसस होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। तैयारी पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका ज़िम्मा था ये काम करवाने का, तैयारी मुकम्मल थी, खाना शुमारी हुई, आपके घर के बाहर नंबर लगे जो कि उसको जब हिसाब किया गया तो वो आबादी इतनी कोई अजीब सी आई तो वो गवर्नमेंट ने उसे कैंसिल कर दिया। 1994 में दोबारा कोशिश की गई, फिर भी यही कुछ हुआ। फिर 1998 में आर्मी के साथ ये किया गया, इसीलिए मैंने आगे ए लिखा है कि ये आर्मी के साथ, उससे पहले सिविल वाले खुद करते थे, पहली दफ़ा 1998 में आर्मी वालों को साथ लिया और फिर 2017 में भी आर्मी वालों के साथ दिया। 2008 में होना था सेंसस, आर्मी अवेलेबल नहीं थी, फ्लड आ गए थे, गवर्नमेंट चेंज हो रही थी वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से फिर ये पोस्टपोन हो गया। और इस दफ़ा भी ये जो 2017 का सेंसस है ये भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस किया, उन्होंने डायरेक्शन दी
फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उसे अप्रूव किया और फिर ये काम आगे चला। अच्छा, अब इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये क्यों, प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों सेंसस पोस्टपोन करना पड़ा था। अब ये देखें कि सेंसस हमें क्या करता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सीटें कितनी है जी नेशनल असेंबली में, वो भी सेंसस ने करना है जी, कितनी सीटें होनी हैं पॉपुलेशन के बेस पे आनी है ना, कि उसकी डिवीज़न किस तरह है, सिंध की कितनी है, पंजाब की कितनी है, ठीक है, फिर उनका हल्का बंदी कैसे होनी है, वो भी पॉपुलेशन के बेस पे, फिर एनएफसी में 82.5% एनएफसी के जो फंड्स हैं जो सूबों में तकसीम होने हैं वो आते हैं पॉपुलेशन के बेस पे, सिर्फ 17.5% दूसरी चीज़ों पे आते हैं कि गुरबत कितनी है, आपने ख़ुद अपने फंड्स कितने किए हैं, आपका इलाका कितना है, उस पे आते हैं मजॉरिटी और कोटा। अभी भी कोटा जौन सा है फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स का, वो आपका पॉपुलेशन के बेस पे आता है। अब जब पॉपुलेशन के बेस पे मुझे पैसे भी मिलेंगे, मुझे रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगी, मुझे MNAs भी ज़्यादा मिलेंगे, मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, नौकरियां भी ज़्यादा मिलेंगी, तो मैं फिर अपनी पॉपुलेशन क्यों ना बढ़ा के बताऊं? 81 तक लोगों को पता नहीं चला, जैसे ही पता चला फिर कि जी यार इसका तो फ़ायदा बहुत है, लिखवाना ही है ना। अच्छा, और ये हमारा पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में भी उन्होंने इसी किस्म का प्रॉब्लम फेस किया था। उन्होंने 71 में सेंसस उनका हुआ, 1971 में उनको भी ये प्रॉब्लम आया। उन्होंने 1975 में 1975 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी कि जी जो शेयर्स हैं, रेशियोज़ हैं, कि पंजाब का हिस्सा 52% बनता है हर चीज़ में, तो वो 52 ही रहेगा। कब तक? 2025 तक, 50 साल उन्होंने फ्रीज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी, आबादी आपकी बढ़ती रहेगी, ना आपकी सीटें चेंज होंगी, ना आपका रेशियो जो है एनएफसी में वो चेंज होगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, इसे हम स्टे दे देते हैं, इसे हम बाद में बात करेंगे। फॉर 50 ईयर्स दे हैव फ्रोजन द रेशियोज, द रेशियो बिटवीन वन प्रोविंस एंड द अदर प्रोविंस, कि वो वही रहेगा, फिक्स रहेगा। सो ये हम अकेले नहीं हैं, उन्होंने भी किया, मगर उन्होंने एक 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 बेहतर सोल्यूशन उसका निकाला, और वो हर 10 साल बाद एक अपना सेंसस करा रहे हैं, और जो कि एक अब सेंसस उनकी एक एकेडमिक एक्सरसाइज रह गई है, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ना, मेरे शेयर नहीं बढ़ना एनएफसी में, नहीं मुझे पैसे नहीं ज़्यादा मिलने, मेरी सीटें नहीं बढ़नी, ठीक है, तो वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज कन्वर्ट होगी है सेंसस की, और उसका जो वो पॉलिटिकल स्टिंग था, जो उसकी इंटरेस्ट थे, वो ख़त्म हो गए। अच्छा, कुछ हमने इसके असूल वज़ा किए थे जो कि आपको आपके साथ शेयर करने ज़रूरी हैं, कि एनुमरेशन वॉज रिस्पॉन्डेंट बेस, कि आपके पास बंदा गया है, आपने जो कुछ बताया है कि जी मैंने PhD की हुई है, उसने ये नहीं कहा जी डिग्री दिखाओ, आपने कहा जी मेरे 2 बीवियाँ हैं, 18 बच्चे हैं, उसने लिख लिए 18 बच्चे, 2 बीवियाँ लिख ली हैं, जो कुछ आपने बताया है उस जो एनुमरेटर था उसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वहाँ बैठ के वो अदालत लगाए, मैं कहता हूँ जी मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, उसने लिख लिया। सो उसके पास, सो दिस वाज ऑल रिस्पॉन्डेंट बेस, विद द रिज़ल्ट कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है ट्रांसजेंडर्स का, आगे चल के वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, वो इतना कम आया है जितना है नहीं है, ज़्यादा होना चाहिए, मगर अगेन रिस्पॉन्डेंट बेस, कोई ट्रांसजेंडर नज़र आ रहा है, चलता वैसे है, बोलता वैसे है, उसने कहा जी नहीं मैं तो नॉर्मल हूँ, नॉर्मल है तो नॉर्मल है। सो एक बात ये है कि ये रिस्पॉन्डेंट बेस था। दूसरा कि डेट हमारी क्या थी, 18 मार्च, जो पाकिस्तान में रहते थे 18 मार्च को सारे टोटल पर्सन लिविंग इन द कंट्री, उसमें कौन कौन आते हैं,
بنگالی بھی، بہاری بھی، چچن بھی، جو لیگل ہے، اللیگل ہے، یہ پاکستانیوں کا سینسس نہیں ہوتا. یہ سینسس ہوتا ہے تمام بندے جو ملک کے اندر اس دن قیام پذیر ہیں، ان کا سینسس ہوتا ہے. کیوں؟ بیکاز وہ سارے کے سارے تو ہمارے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں نا، سڑکیں بھی استعمال کر رہے ہیں، اسپتال بھی کر رہے ہیں، اسکول بھی کھا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، چینی بھی کھا رہے ہیں. سو اٹ از ناٹ پاکستانیوں یا نیشنلز کا یہ سروے نہیں ہوتا. سارے بندے ہم لکھتے ہیں، ہمیں ایسے بندے بھی ملے. ایک بندہ انڈین تھا، وہ 25 سال سے بیٹھا ہوا تھا یہاں بغیر ویزے کے. تم کیسے؟ بٹ وی کاؤنٹڈ ہم. افغانس 2005 میں افغانوں کے جو ہمارے ریفیوجی کیمپس تھے وہ ختم کر دیے گورنمنٹ نے. پچھلے سینسز میں وہ شامل تھے، شامل نہیں تھے. اب جب وہ ختم کیے ریفیوجی کیمپس، تو وہ آ کے میرے آپ کے گھر کے ساتھ رہنے لگ پڑے. لاہور میں تو کم ہے، اسلام آباد، پشاور، کراچی، بے شمار افغان ریفیوجیز آ کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو بھی کاؤنٹ کیا. اور جس میں افغان ریفیوجیز نے کہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اس کا وہ کارڈ دیکھا ہے. جس کا کہا ہے کہ جی تمہارے پاس کیا ہے، اس نے کہا ہے جی میرے پاس افغانی کارڈ ہے، پی او آر کارڈ ہے. پی او آر کارڈ اسے انٹر کر لیا. ایک اس دفعہ ہم نے نیا کام کیا تھا کہ جو آپ کا شناختی کارڈ ہے وہ ہم نے چیک کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان ریئل ٹائم چیک کیا تھا کہ آپ کے پاس ٹیم آئی، اس نے کہا کہ جی ہاں جی آصف باجوا شناختی کارڈ، نادرا کا شناختی کارڈ. اسی وقت اس نے ایس ایم ایس کیا، جواب آ گیا کہ جی یہ شناختی کارڈ نمبر آصف باجوا کو ایشو ہوا ہوا ہے، اس کے فیملی میں ایک بیوی ہے، 3 بچے ہیں. اتنا. یہ ہمارا ایک لوگوں کو ایک ڈیٹرنس تھا کہ لوگ جو شروع میں کرتے تھے کہ جی میں نے بتا دیا جی میرے 12 بچے ہیں. ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے. کوئٹہ میں ایک بندہ تھا جس کے 54 بچے تھے. ہو سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. مگر پھر یہ ایک یہ تو نہ ہو کہ جی میں لکھواتا جاؤں، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ جی یہ پارٹیز نے، کچھ تنظیموں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم اپنی آبادی بڑھا کے بتائیں، کیونکہ اس کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ پیسے زیادہ ملنے ہیں، ریپرزنٹیشن زیادہ ہونی ہے، جاب زیادہ ملنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے 32 ملین فیملیز ہیں پاکستان میں سینسس کے مطابق. تو اس میں سے 7 ملین کے ہم نے شناختی کارڈ، جو ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہے ان کے شناختی کارڈ ہم نے چیک کیے تھے. تو یہ زیادہ ایک ڈر کے لیے تھا رادر دین چیکنگ کے لیے. ایک اور جو ہم نے بہت اسٹرکٹلی فالو کیا تھا وہ تھا کہ جو بھی ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری ہے ہم نے وہ استعمال کی، وہ بھلے ضلعے کی ہے بھلے شہر کی ہے. اب لاہور والوں نے کچھ اپنی باؤنڈری چینج کر دی تھی 2015 میں چینج کر دی تھی. اب مسلم مرید کے از ناٹ این اربن ایریا. اگر آپ سارے کو، آپ کو پتا ہوگا کہ گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مرید کے اربن ایریا نہیں ہے، ڈکلیئر نہیں ہے اب کہ اب یہ پنجاب گورنمنٹ نہیں ہے تو نہ سے. تو ہم نے جو کچھ بھی نوٹیفائڈ باؤنڈریز ہیں ہم نے وہ لی ہیں. ایک بھی انسٹنس میں، ایک بھی جگہ ہم نے اس پرنسپل کو وائلیٹ نہیں کیا. اور یہ اصول ذہن نشین کرنے کی ضروری اس لیے ہے کہ آگے جب کراچی لاہور کے جھگڑے میں بات کروں گا پھر آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. پھر یہ بھی دیکھیں جی کہ جو انومریٹرس ہیں جو آپ کے گھر آئے تھے فوجی کے ساتھ، وہ کون تھے؟ وہ وہاں کا لوکل اسکول ٹیچر تھا، وہاں کا لوکل گورنمنٹ کا امپلائی تھا، وہاں کا بندہ تھا، سرکاری ملازم تھا، اور سرکاری ملازم بھی لوکل، اور اس کا سپروائزر کون تھا؟ وہاں کا سسٹم کمشنر. تو یہ بات کرنی کہ جی میں نے کراچی میں پشاور سے بندے بھیج دیے تو لاہور کوئٹے سے آئے تھے بندے، یہ آل لوکل پیپل جو کہ آپ کو جانتے تھے، اس علاقے والوں کو جانتے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کے یہ کام کیا.
उसी लोकेलिटी में उनकी तैनाती की गई, किसी को ये नहीं किया कि जी मैंने यहाँ वाले बंदे को मैंने कसूर भेज दिया और कसूर वाले को शेखपुरा भेज दिया। हर एनुमरेटर के साथ एक फ़ौजी था, वो साथ लगा हुआ था, वो फौजी भी नोट करता था कि जी इस घर में इतने बंदे रहते हैं, बस डिटेल वो सिविल एनुमरेटर के पास होती थी। ये उसे काउंटर चेक करने के लिए, सिविल एनुमरेटर को काउंटर चेक करने के लिए कि ताकि बाद में वो अपना चेंज ना करता रहे। अब मैं सेकंड पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन आता हूँ कि जी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये अब मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ तो चीता चीता रिजल्ट्स आपके साथ में शेयर करता हूँ। पॉपुलेशन 207.77 मिलियन पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कश्मीर नहीं शामिल है, कश्मीर शामिल नहीं है और नॉर्दर्न एरियाज शामिल नहीं है। सो दिस इज़ चार सूबे, फाटा, इस्लामाबाद, छः की मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं, ये अभी प्रोसेस हो रहे हैं, ये प्रोसेसिंग इनकी चल रही है और अनदर 3-4 मंथ्स में इसके फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो दीज आर प्रोविजनल रिजल्ट्स और इनके फाइनल रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। सो दे पर्टेन टू पाकिस्तान और ये प्रोविजनल है। और इसका ग्रोथ रेट आपके सामने है, ग्रोथ रेट इज कमिंग डाउन 3.06, 2.69 एंड 2.40 अभी जो ग्रोथ रेट है। ये आपको पॉपुलेशन ट्रेंड्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट पाकिस्तान की 3.06 थी, 2.69, 2.40 और ये जो ग्रोथ रेट है ये डिफरेंट है प्रोविंसेस में, हर इलाके में, हर सूबे में इसकी डिस्पर्शन इज़ डिफरेंट। केपी में 2.89 है, पंजाब में 2.13 है, तो तकरीबन कोई 60 बेसिस पॉइंट का फ़र्क है। बलूचिस्तान में 3.37 है, मगर बलूचिस्तान में और केपी में सिर्फ ये थोड़ा सा हम इसे मार्जिन देते हैं क्योंकि 1998 के सेंसस में अफगानी वर सेपरेटली काउंटेड क्योंकि वो अफगान कैंप्स में थे, रिफ्यूजी कैंप्स में थे। 2005 के बाद रिफ्यूजी कैंप्स ख़त्म हो गए, अब अफगानी वहाँ से डिस्पर्स हो गए हैं, तो ये अब घर हमारे पॉपुलेशन के साथ रहते हैं और ज़्यादा बलूचिस्तान और केपी में हैं, तो इसलिए थोड़ी सी उनकी हमें मार्जिन देना पड़ता है। इस्लामाबाद की आबादी अगैर आप देख लेंगे जी, 3 लाख, 3.5 लाख थी 81 में, 8 लाख होगी अब 20 लाख होगी है इस्लामाबाद की आबादी, अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। परसेंटेज इंक्रीज़ कितनी है, 57% आई है पिछले सेंसस से, और उसी पीरियड में फिर आगे रीजन वाइज भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि हर पाकिस्तान में आप देखेंगे कि 100 इज पाकिस्तान, तो सूबों का जो हिस्सा है टोटल में वो किस तरह चेंज हो रहा है। केपी 13 था, 13.1, 14.6, 14.7, सिंध 23 का 23 ही है, बलूचिस्तान 4.96, 5.94, 1% बढ़ गया, इस्लामाबाद 0.3% बढ़ गया, पंजाब 55.6 से 52.95, 2.5% पंजाब कम हो गया। अब इसका क्या फ़र्क क्या पड़ा, टोटल पॉपुलेशन शेयर में अगर मेरा हिस्सा कम हो जाए तो स्लाइड शुरू में जो आपको दिखाई थी, वी रिफर बैक टू दैट कि मेरी बलूचिस्तान की सीटें 2 बढ़ गई, उसकी सीटें अब 16 होगी एमएनए की,
केपी की चार बढ़ गई, उसकी 39 सीट्स हो गई, पंजाब की 7 सीटें कम हो गई नेशनल असेंबली में, उसकी 141, सिंध वहीं का वहीं है, फाटा वहीं है, इस्लामाबाद की 1 सीट बढ़ गई। सो ये तो अभी हमारे सामने हुआ है कि ये पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट है ऑन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पंजाब हैज़ लॉस्ट 7 सीट्स एज वी आर गोइंग इनटू द 8th एनएफसी अवार्ड। एनएफसी अवार्ड भी होना है, अभी ड्यू तो है, उसमें भी इम्पैक्ट आ जाएगा कि 2.5% पंजाब के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और वो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे बाकियों को। सो पॉपुलेशन का आपके सामने ये एक इम्पैक्ट आ रहा है, और एक तो आ चुका है कि हायर पॉपुलेशन क्या है। एक और इंटरेस्टिंग स्लाइड है दैट वी आर ग्रेजुअली अर्बनाइजिंग। पाकिस्तान अब 36.38% है फ्रॉम 32.5, पंजाब 36 है, सिंध बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड है 52% है। मगर इसमें भी काइंडली कीप इन माइंड कि हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नोटिफाइड बाउंड्रीज ली हैं। जो कोई मुख्तार इदारा है, भले वो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसने भी नोटिफाई किया, क्योंकि जब आप अर्बन एरिया की डेफिनेशन पे शुरू होते हैं तो वो कोई इतनी ज़्यादा वेरिएशन है। अब इंडिया कहता है 5,000 की जो आबादी है, जहाँ ज़्यादा बंदे नॉन एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, 5,000 आबादी जहाँ ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चर, वो अर्बन एरिया है। पाकिस्तान में इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, मुरीद के इज़ नो मोर एन अर्बन एरिया, इट्स एन अर्बनाइज यूनियन काउंसिल, कामों की इज़ नो मोर अर्बन। इस तरह इन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट ने 2015 में कोई 32 के 34 अर्बन जो टाउन कमेटीज़ थी उनको इन्होंने डीनोटिफाई कर दिया जिसका फैसला है। सो ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये नोटिफाइड जो मजाज इख्तियार है उसने जो कुछ भी किया। और अगर वैसे मेरे से इनफॉर्मली पूछें, आई वुड से कि जब वी आर मोर देन 50% अर्बन, पाकिस्तान इस वक्त, अभी जब डिटेल आ जाएगी तो जितने भी डेमोग्राफर्स हैं वो रिसर्च करके देख लेंगे कि आप इसे किस तरह भी स्लाइस करना है, कि आपने 5,000 की आबादी देख लें कि ये 5,000 की आबादी को अलहदा कर दें, 10,000 की आबादी को अलहदा करके देख लें, उसमें ये देख लें कि वहाँ बिजली पानी गैस है कि नहीं है, उनको अलहदा करके देख लें, वी विल बी मोर देन 50% अर्बन। मगर हमने सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड एरियाज लिए हैं अर्बन के लिए। टॉप 10 सिटीज़ कौन सी हैं? कराची, लाहौर, फैसलाबाद अब 32 लाख की आबादी है, लाहौर आपको 2 नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, वील कम टू दैट, गुजरांवाला 20 लाख, मुल्तान 18 लाख, क्वेटा भी 10 लाख पे चली गई है। एक और जो हमें चीज़ नज़र आई है रिजल्ट्स में, वो है कि हाउस होल्ड साइज़ जो सा है पाकिस्तान में, कि एक घराने का जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ कराची में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, सारे मुल्क के ये ज़िला कुछ टॉप के अज़ला लिए हैं, उसमें आप सब में देखें कि ये मेजॉरिटी में हाउस होल्ड साइज़ कम हो रहा है। मतलब ये है कि लोगों के न्यूक्लियराइजेशन हो रही है, फैमिलीज़ की निकल रहे हैं और बच्चे कम हैं। ये हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया है सेक्स वाइज, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। 1998 में ट्रांसजेंडर नहीं थे, हमने उनको काउंट नहीं किया था, इस दफ़ा काउंट किया है। मगर ट्रांसजेंडर सिर्फ हमें 1,00,000 मिले हैं, वो इसलिए कि जैसे मैंने पहले कहा है कि ये रिस्पोंडेंट बेस था, जिसने कहा है कि जी मैं ट्रांसजेंडर हूँ उसे लिखा है, जिसने कहा है नहीं है तो उसे नहीं लिखा। तो ट्रांसजेंडर को आप छोड़ दें, मेल फीमेल और टोटल हम आपको सारे रीजनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, आपके साथ शेयर किया।
मगर ज़्यादा इससे क्लैरिटी आती है सेक्स रेशियो से कि 100 फीमेल्स हैं तो उनके साथ बंदे कितने हैं. दिस इज़ द सेक्स रेशियो. अब पाकिस्तान में आप देखें कि ये 1981 में सेक्स रेशियो 110 था. अब पाकिस्तान की बात करें 108 हो गया, अब 105 है. मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा ख़वातीन अपने आप को रजिस्टर कर रही हैं. वहाँ हमें ज़्यादा ख़वातीन मिली हैं बनिस्बत पहले से. मोर एंड मोर लेडीज़ हैव बीन काउंटेड. और ये सिर्फ सारे आप देखें के बी में देखें 108, 104, 102. फाटा में देख लो 108 से 104 आ गई. बलूचिस्तान में 111, 114 और 110. आप रूरल एरिया में देख लें वही ट्रेंड आपको मिलेगा. मतलब ये है कि ये औरतें अब अपने आप को दे आर बीइंग काउंटेड. सो ये एक खुशाइंद हमें रिजल्ट आया है. नाउ आई कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन. वो ये है कि ये ग्रोथ रेट क्या है. 2.40 ग्रोथ रेट है जो आपके सामने आपके साथ प्रोविजनल ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का. और इस हिसाब से हम ग्रो करते रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2050 तक आबादी हमारी डबल हो जाएगी. यानी कि आज से 32 साल के अंदर अंदर इफ नॉट अर्लियर वी विल डबल आर सेल्स. ये ग्रोथ रेट ये बता रहा है अगर हमने कुछ ना किया. हमारे हमसायों के ग्रोथ रेट्स क्या हैं. इंडिया 1.2, बांग्लादेश 1.36, मुसलमान है हमारे जैसे वो भी. श्रीलंका 0.9, अफगानिस्तान माशाल्लाह वो 2.34 है. यूएस, चाइना, दुनिया 1.2 है. वर्ल्ड इज़ 1.2 जो दुनिया का एवरेज है और पाकिस्तान का 2.4 है. और वैसे अगर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन हाईएस्ट दुनिया में सबसे हाईएस्ट है वो साउथ सूडान का है जो कि बहुत ही गरीब मुल्क है. वो 3.924 के करीब उनका ग्रोथ रेट है. और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, ग्रोथ रेट के लिए क्या कर रही है. कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग. 2.4% ग्रोथ रेट किसी ने बात ही नहीं की. ना गवर्नमेंट ने बात की है, ना एनजीओ ने बात की है, ना सिविल सोसाइटी ने बात की है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बात की है. आज आके झगड़ा हो रहा है कि ये हमारा इलाके में हमारी आबादी कम दिखाई गई है, ज़्यादा दिखाओ. किसी बंदे ने आप सुना है किसी ने कि जी 2.4% ग्रोथ रेट है इस पर. ये अरेंजमेंट क्या है जो पहले आपके साथ शेयर किया है कि जिस इलाके की आबादी ज़्यादा होगी उसे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, सीटें भी ज़्यादा मिलेंगी, जॉब्स भी ज़्यादा मिलेंगी, तो फिर बंदा क्यों काम करेगा आबादी. सो वो इनवर्स किस्म के इंसेंटिव है कोई नहीं है. और ये अभी हमें एक नेशनल क्राइसिस है. मगर पॉपुलेशन प्लानिंग फैशनेबल कोई नहीं है. वो सेक्टरी पॉपुलेशन प्लानिंग को लगना नहीं चाहता. पॉपुलेशन की हमें कोई कोई पॉलिसी को खास नहीं है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नीचे लाना मुश्किल काम है. उसके रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता आते हैं. वो जैसे पेशावर और लाहौर में को ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन रही है, ग्रीन लाइन और येलो लाइन और ऑरेंज लाइन, और वहाँ वो BRT वहाँ बन रही है. एक साल दो साल में आपको रिजल्ट्स आते हैं. इसमें एक साल में आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे. इसी तरह एजुकेशन में आपको एक साल में रिजल्ट्स नहीं आते. सो वो फैशनेबल नहीं है. नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. और वो है कि ये लाहौर और कराची का लोगों ने शोर किया है. जैसे पहले भी आपसे आपके साथ शेयर किया है कि जी वो हर पार्टी जो सी है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, PSP है, वो सब शोर कर रहे हैं कि जी रिजल्ट्स कराची के ठीक नहीं है. तो इसमें ये तीन चार मैंने
सर्वे किया है और उसमें तीन चार डिफरेंट एस्पेक्ट से कराची की पॉपुलेशन एस्टिमेट करने की कोशिश की है ताकि एक वो उनका वो एड्रेस हो सके जो उनके कंसर्न्स है. ऑफ कोर्स उनके अपने जो से हैं पॉइंट ऑफ व्यू वो तो है. कराची की आबादी वो कहते हैं कि 25 मिलियन है या 30 मिलियन है इंस्टेड कि ये 15 मिलियन जो कि सेंसस में आई है. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मैंने हर दूसरा बंदा कराची में छोड़ दिया है. देखो ना 15 मिलियन मैंने गिने हैं, 14.9 15 मिलियन मैंने गिने हैं, वो कहते हैं कि 30 मिलियन है. फिर मैंने आपको गिन लिया, इनको नहीं गिना, इनको गिन लिया, इनको नहीं गिना. अब वी आर टॉकिंग अबाउट कराची, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फुजदार, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट खानान के जहाँ बंदों को पता नहीं है कि जी सेंसस क्या होता है. तो कोहिस्तान की बात नहीं कर रहे. हर बंदे के पास दो दो मोबाइल फ़ोन हैं. हमारा लाइंस भी ओपन थी, फ्री थी, सारा कुछ वहाँ काम किया. तो तब तो ड्यूरिंग द सेंसस पीरियड तो पर सो एक तो ये बात कि जी जितना वो एग्जैजरेट करके बता रहे हैं वो दैट्स नॉट पॉसिबल. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लेवल इज़ अबाउट 5%, कि 5% प्लस माइनस होता है. अमेरिका में भी US सेंसस ब्यूरो भी रेंज देता है 5%, बट 100%. दूसरी बात जो कराची की बाउंड्री है, दोज हु आर फेमिलियर विद कराची, आप कराची देखें, कराची की नोटिफाइड बाउंड्री 1998 के बाद बढ़ाई नहीं गई. 7 दे सिर्फ ऐड हुए हैं, अदरवाइज कराची रिमेन्स व्हाट कराची वाज इन 1998. क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्योंकि कराची का एक अपना यूनिक मसला है कि सिंध इज़ डिवाइडेड इनटू अर्बन एंड रूरल. अर्बन में कराची है, हैदराबाद है और सखर है, इनके अर्बन एरियाज हैं. कराची की आप आबादी, आप उसकी बाउंड्री बढ़ाते हैं तो इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ सिंध रूरल. सिंध रूरल से निकाल के अर्बन में डालेंगे ना, और वो वहाँ रिप्रेजेंटेशन और दूसरे मसले आ जाते हैं. सो पीपल आर नॉट वेरी कीन कि जी हम उसकी रूरल को कम करें. जहाँ वैसे देखने में आप कराची जाए तो हब से शुरू होता है, तो हैदराबाद जाते जाते 50-60 किलोमीटर दूर तक बैरिया टाउन और दूसरा ये कौन सा है DHA, वो 50 किलोमीटर्स आउटसाइड कराची. आई एग्री, मगर हमने फिर वही मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ जिसे पहले मैं आपसे बात की थी. हमने सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ली हैं, अपनी कोई मर्जी नहीं की. एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज इस्तेमाल की हैं ताकि हमारा झगड़ा कोई नहीं है. मेरा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का इसमें कोई पर्सनल इनपुट नहीं होगी. अच्छा, एज़ कम्पेयर टू दैट लाहौर 5 मिलियन थी 1998 में, अब 11 मिलियन हो गई है. वाई दिस एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ? कोई पार्टीशन तो नहीं हुई कि जी महाजिर आ गए हैं? 2015 में पूरा का पूरा ज़िला लाहौर, रूरल एरिया भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि जी ये अब अर्बन होगा. फाइन, तो अर्बन हो गया. इसे और देख लेते हैं. कराची 9 मिलियन, 14.9, 2.49 ग्रोथ रेट. लाहौर 4.14 ग्रोथ रेट. मगर हमने कंपेयर करना है, लाइक टू लाइक कंपेयर करें. घोड़ों को घोड़ों के साथ ही कंपेयर करना है ना, तो अब उसका देख लेते हैं. अर्बन लाहौर की आबादी 1998 में 5 मिलियन थी. अगर उसी बाउंड्री को लिया जाए तो आबादी हमारी 8 मिलियन बनती है और उसका ग्रोथ रेट वही 2.43 आता है, विच इज़ नॉर्मल ग्रोथ रेट. इसमें रूरल अगर मैं शामिल कर लूँ और यूनियन काउंसिल जो उनसे उसकी कसूर की ऐड हुई हैं
तो फिर वही आ जाता है। सो अगर आप ओरिजिनल देखें, पुराना हिसाब से देखें, तो कोई ख़ास आबादी लाहौर की नहीं बढ़ी, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। यहाँ मैं आपके साथ एक और भी बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने सिटी की डेफिनेशन दी हुई है। एक सिटी प्रॉपर उसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस। सिटी प्रॉपर हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, जो कि हम लेते हैं। दूसरा वो कहते हैं अर्बन अग्लोमरेशन। अर्बन अग्लोमरेशन वो हो गया कि कंटिगुअस एरिया है, यानी कि हब भी साथ कराची के साथ मिला हुआ है, वो अर्बन अग्लोमरेशन हो जाएगी। और दैट विल बी पार्ट ऑफ कराची अर्बन अग्लोमरेशन। और तीसरा उनका जो उनके हिसाब से मेट्रोपॉलिटन एरिया है, नॉट नोटिफाइड, मगर मेट्रोपॉलिटन एरिया वो है जहाँ इकोनॉमिक एंड सोशल लिंकेजेस इतने तगड़े हैं कि वो एक ही शहर बन जाता है। अब कराची में गडाब टाउन इज नॉट पार्ट ऑफ कराची, इट्स अ सेपरेट नोटिफाइड, सेपरेटली नोटिफाइड एरिया। इसी तरह उनके और भी छोटे छोटे टाउन्स हैं जो कि सेपरेट हैं। अब इसमें आप जो मर्जी डेफिनेशन ले लें, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मगर हमने एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन ली है, विच इज़ वट एवर हैज़ बीन नोटिफाइड। एक और झगड़ा जो सेनेट में उठा था, वो एक पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने उठाया था कि जी ये देखें, हमें नादरा ने एक टेबल दिया है जिसमें कराची की पॉपुलेशन 2013 में 21 मिलियन थी। नंबर शंबर उस पर कोई नहीं लगा हुआ टेबल पे। नादरा ने पूछा, नादरा कहती है हमारा टेबल नहीं है। और आपको भी पता है कि MNA की कॉन्स्टिट्यूएंसी सारे मुल्क में यकसां होती है। 132 मिलियन आबादी थी 2013 में, जो कि बेस बना था। 132 डिवाइडेड बाय 272 जनरल सीट्स, वो 0.48 मिलियन 5 लाख की आबादी पे एक सीट बनती थी। अभी जो आबादी बन रही है वो सिर्फ 7,80,000 पे एक सीट बन रही है MNA की। तो ये यूनिफॉर्म होता है, इसमें हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। ये हर इलेक्शन में यही होता है कि टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सीट्स गिव यू द पॉपुलेशन पर MNA सीट। ये टेबल था उन्होंने जो दिया था, NA 339, 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन और 21 मिलियन। उन्होंने ये खुद टेबल बना के दे दिया। दिस वॉज फॉर्मली प्रजेंटेड इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस पर डिस्कशन हुई थी। एंड दिस इज अ फेक कि वो खुद पार्लियामेंटेरियन है, उनसे पूछा गया कि आपको तो पता है, बट वो कोई जवाब नहीं। फिर आपको याद होगा कि जब सेंसस ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया, तो MQM वालों ने कहा था कि जी इंटरनेशनली भी कराची की आबादी 2.5 करोड़ है, उन्होंने फारूक सत्तार साहब ने अपनी तकरीर में बोला था। तो ये UN के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि UN की ये वर्ल्ड अर्बनाइजेशन रिपोर्ट है। इसमें 2015 में कराची की आबादी एट नंबर 12 इज 16 मिलियन। इसमें नंबर 7 पे कराची की आबादी 24.8 मिलियन है। बट वॉट ही कन्वीनियंटली फॉरगॉट वॉज दैट दिस इज़ अ प्रोजेक्शन फॉर 2030। आज से 18 साल बाद की प्रोजेक्शन है, करंट प्रोजेक्शन नहीं है। वर्ल्ड सिटीज 2016 अगेन यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, दीज आर अवेलेबल, नेट पे अवेलेबल है। यहाँ अगेन 12 नंबर पे कराची देखे 17 मिलियन, कब 2016 में। 2030 में 7 नंबर पे कराची आ गया 24.8। वो 2.5 करोड़ इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस जो कि प्रोजेक्ट करता है, वो 18 साल आगे की प्रोजेक्शन कर रहा है, 2030 की कर रहा है।
ये भी एक और तरीका, हम देख रहे हैं कि ये बाकी जो डेटा है क्या वो हमारे नंबर्स को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। CNIC इशू हुए हैं लाहौर में 6 मिलियन विद लाहौर एड्रेस, कराची में हुए हैं 8.5 मिलियन। हमारे सर्वे जो से हैं वो कहते हैं कि ये 18 साल से ज़्यादा की उम्र पाकिस्तान में 53.5% है। उस हिसाब से कराची की पॉपुलेशन 16 मिलियन आती है, लाहौर की पॉपुलेशन 11 मिलियन आती है। अब ये एक और दूसरे तरीके से कैलकुलेट करके देख रहे हैं और देख लेंगे। वोटर्स लाहौर में 2.19 थे 1997 में, 17 में भी 4.94 अप्रॉक्सीमेट बताए गए हैं, दिस इज़ स्टिल इन प्रोसेस। 125% इंक्रीज। कराची में 3.63 मिलियन है, अब 8 मिलियन हो गए हैं, 118% इंक्रीज। अगेन सेम रेट ऑफ ग्रोथ। ये अब डेटा है अर्बन यूनिट वालों का, जो भी ये हमारे होस्ट हैं यहाँ आज, इनके डेटे को हमने लिया है और ये US का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की सेंसिस में आबादी आ रही है 207। पंजाब अर्बन यूनिट ने सेंसिस से पहले एस्टिमेट किया 205 मिलियन। पंजाब की आबादी लैंड स्कैन और पंजाब अर्बन यूनिट 114 कह रहा है, हमारी 110 आई है। KP में 229 मिलियन है, एक्चुअली 30 मिलियन आई है। सिंध में 46 मिलियन पंजाब अर्बन यूनिट कहता है, हमने 47.8। बलूचिस्तान में इनका वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ गया है, 8 मिलियन वर्सेस 12.3 जो हमें मिला है। इस्लामाबाद 2.2 मिलियन, हमारा 2 मिलियन है। फाटा 4.4 और 5 मिलियन है। सो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सेंसस से पहले काम किया यूजिंग एल्गोरिदम्स और पता नहीं क्या क्या जो भी वो अपना हाईटेक इस्तेमाल करके उनका ये एस्टिमेट्स है। उसी बेसिस में इन्होंने कराची एस्टिमेट किया। सेंसस पॉपुलेशन 14.9, इनकी पॉपुलेशन 15। लाहौर की सेंसस पॉपुलेशन 11.1, इनकी 10.5 10.6। सो बॉल पार्क नंबर्स, क्योंकि इनके एस्टिमेशंस हैं, सैटेलाइट इमेजरी से किया है जो भी इनका वो तरीका है। अच्छा, एक और इदारा है फेडरल गवर्नमेंट का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, उन्होंने 2016 में ये प्रोजेक्शंस की थी और इन्होंने नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिए थे। पैरामीटर्स में टोटल फर्टिलिटी रेट लिया, CPR लिया है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट लिया है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टैलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेल फीमेल सेक्स रेशियो। और जब इन्होंने ये सारा अपना मॉडल रन किया एंड दिस दे डिड इट इन 2016, तो उन्होंने पॉपुलेशन प्रोजेक्ट की पंजाब की 110 वर्सेस 110, 47.5, 47.8, 28.3, 30, 10.6, 12.3। ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसने सेंसस से पहले अपनी प्रोजेक्शंस की हुई है और ये NIFS वालों के पास हैं, उन्होंने पब्लिश किए हैं। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो लाहौर कराची की उन्होंने अपने कंट्रोवर्सी बनाई है, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। एक्सपेक्टेशंस मैं शुरू में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि जी कायम अली शाह साहब ने सिंध असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि 7 करोड़ से कम हुई आबादी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, फाइन। सो ये सारी बातें जस्ट वांटेड टू शेयर विद दिस ऑडियंस विद द हाउस, कि
ये एक परसेप्शंस हैं एक लोगों का. अब जहाँ पंजाब की आबादी 2.5% टोटल में से कम होगी, पंजाब तो नहीं बोल रहा, पर अगर पंजाब के आप पैरामीटर्स देखें, इसके अब PFR देखें, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट देखें, मेरे पास वो भी है प्रेजेंटेशन पे, यहाँ काम हुआ है, यहाँ आबादी नीचे गई है, एक्चुअली गई है. CPR रेट हैज़ गॉन अप, TFR हैज़ गॉन डाउन, सिंध में रिवर्स हुआ है, बलूचिस्तान और KP में तो इतना नहीं काम किया, बट यहाँ पंजाब वाले नहीं बोल रहे. उनको पता है कि जी ये बाकी जो पैरामीटर्स हैं दैट इज़ व्हाट दे आर पॉइंटिंग टू. बट आपके साथ मकसद आज क्या था कि जी मैं थोड़ा सा सेंसिस शेयर कर लूँ, इसकी जो अर्जेंसी है हाई ग्रोथ रेट वो शेयर कर लूँ, तो दैट वाज ऑल आई हैड टू से. और जस्ट अ वोट ऑफ थैंक्स टू अर्बन यूनिट और जिन्होंने ये सिटी डायलॉग का काम शुरू किया, विच इज़ ग्रेट के पब्लिक प्लेस एक्सेसिबल टू एवरीबडी, सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड लिसन टू बर्निंग टॉपिक्स ऑफ द डे. वेल, थैंक यू वेरी मच. अब नाउ वी गोइंग टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. ये सिंपल से कहने से नहीं हो सकता, कुन फयकून करने से नहीं होता. आपने एजुकेट करना है पेरेंट्स को, कपल्स को एजुकेट करना है, नंबर वन. दूसरी, आपने एक डायलॉग शुरू करना है मुल्क में कि यार आबादी बहुत बढ़ गई है. देखिए सिंपल सी बात है कि घर में आप जाते हैं कहते हैं कि जी मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो घर वाली पूछती है कि जी, पहले तो बुरा भला कहेगी कि जी बुला लिया सबको, मुझे बताया नहीं है वगैरह वगैरह. कल जब राज़ी हो जाएंगी तो कहेंगी कि कितने बंदे हैं. आप कहते हैं जी 5 बंदे हैं, वो 5 बंदों के मुताबिक खाना बना लेती हैं. जब आपके दोस्त आते हैं वो 8 बंदे आ जाते हैं, वही खाना जो 5 बंदों के लिए था अब वो जब 8 में डिवाइड होगा तो कम हो जाएगा. तो हायर पॉपुलेशन ग्रोथ का है कि यहाँ तो मेरे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो ना, जितने मर्जी रिसोर्सेज हैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा, रिसोर्सेज तो मेरे वही है. तो हर बच्चे को पहले जो एक रोटी आनी थी अब उसे आधी रोटी आएगी अगर मेरी पॉपुलेशन डबल हो जाती है. अब इसे कम कैसे करना है कि मैं डायलॉग तो करूँ ना आपस में. पॉपुलेशन प्लानिंग को तो हम समझते नहीं जी, उस पर हमने बात नहीं करनी. मौलवी साहब से बात करो वो कहते जी नाउज़ुबिल्ला हमने इस पर बात नहीं करनी. सर वो क्या ऐड है, आप कॉन्डम का ऐड के दे सकते हैं तो बस तक बात, चलो बात ख़त्म होगी. यूजबल्स का ऐड आप दे सकते हैं, ये क्या आप घर बात कर सकते हैं. मैं इसीलिए आप ये प्रेजेंटेशन में कहा वी नीड टू लर्न फ्रॉम बांग्लादेश, वी नीड टू लर्न फ्रॉम इंडोनेशिया. उन्होंने क्या किया, वो भी मुसलमान है, उन्होंने किस तरह किया. वहाँ इंडोनेशिया में बांग्लादेश में जिस कपल के 2 बच्चे हैं और पिछले 15 साल से 2 बच्चे हैं, उनको प्रेसिडेंट खाने पे बुलाता है कि शाबाश वेल डन. बांग्लादेश में जो मौलवी हजरात हैं, दीन हैं, ये जो लीडर्स हैं रिलीजियस लीडर्स, दे हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस. तो ये एक कमिटमेंट की बात है, एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये एक नेशनल कमिटमेंट की बात है, भले कोई गवर्नमेंट आ जाए. अब आपको पता है श्रीलंका में कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ कि सिविल वॉर 30 साल वहाँ चलती रही है, श्रीलंका में
पॉपुलेशन कंट्रोल उनकी श्रीलंका का क्या नंबर है? जीरो पॉइंट नाइन. 30 years of सिविल वॉर. एजुकेशन रेट देखो तो उनका 99% है. क्यों? उनकी एक नेशनल कमिटमेंट थी. और ये भी लोग बताते हैं कि जी गोलियाँ चल रही होती थी, कोई स्कूल का बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में आता था तो दोनों पार्टीज गोलियाँ रोक देती थी, जंग रोक देती थी कि बच्चों को कुछ नहीं कहना. ये हम ही पाकिस्तानी बहुत सियाने हैं कि सबसे पहले अपने स्कूलों को ब्लॉक करते हैं. आ जाके हमने सबसे पहले स्कूल अपने तबाह करते हैं. बहुत सियाने हैं माशाल्लाह. तो ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, अब इसका एक अर्बनाइजेशन का भी इम्पैक्ट है कि कोई ये सर्वे करके देख लेना, अपने घर में कर लेना. आपके घर मुलाजिम है वो यहाँ रहता है, उससे पूछो तेरे कितने बच्चे हैं. उसका भाई गांव में रहता है, उससे पूछो तेरे कितने बच्चे हैं. यू विल फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द टू. कि अर्बन एरिया में आके उसे हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, वो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ बेहतर हैं. वो यहाँ आके वो कम बच्चे पैदा करता है, गाँव में ज़्यादा करता है कि यार एक मर भी गया तो चलो कोई बात नहीं है. क्योंकि खाना तो अल्लाह ने देना है. बट गांव में एट दैट एडिशनल चाइल्ड इज़ एन अर्निंग हैंड फॉर हिम. यहाँ नहीं है, यहाँ लाइबिलिटी है अर्बन एरिया में, उसे पढ़ाना भी है. सो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अब मैं एजुकेशन की भी बात कर रहा हूँ, मैं अर्बनाइजेशन की भी बात कर रहा हूँ, मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ. तो ये एक मल्टी डायमेंशनल इशू है जिस पे एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है. मैं तो जैसे आपको पहले वो ये स्लाइड दिखाई है, दिस इज़ आर रिस्पॉन्स, आर नेशनल रिस्पॉन्स टू द हाई ग्रोथ रेट. सर यही सड़कें हैं, 30 साल बाद इन्हीं पे डबल ट्रैफिक आ गई तो क्या बनेगा? यही गंदम है जो हम 25 मिलियन 26 मिलियन टन ग्रो कर रहे हैं, अभी से मुश्किल से पूरी होती है. 30 साल बाद कहाँ से करेंगे हम? को 52 मिलियन 50 मिलियन टन पूरी कर लेंगे? अभी से हमारे 50% बच्चे आउट ऑफ स्कूल है. हॉस्पिटल्स का हाल देख लें. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, वो 100 साल की बात नहीं बात कर रहा, मैं 30 साल की बात कर रहा हूँ. 30 साल में आई विल डबल माई पॉपुलेशन विदाउट हैविंग द रिसोर्सेज टू डबल माई फैसिलिटीज. तो अल्लाह ही हाफिज़ है, बट ईमान है हमारा अल्लाह पे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. जी वन गवर्नमेंट को, लेकिन इसमें हमें सर कुछ लूप होल्स भी नज़र आते हैं. जैसा कि आउट ऑफ 70 लैंग्वेजेस ओनली 9 लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड. एंड सेकेंडली जिस तरह आपने ट्रांसलेटर्स का आपने जिक्र किया कि उनका उनकी पॉपुलेशन ओनली 10,000 वहाँ पर शो की गई, और उसके बाद जो है ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने अपने प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड भी कराया था. तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर, ये सेंसस जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी दो पॉइंट्स आप क्या कहेंगे? देखिए ना जी, पहले तो ट्रांसजेंडर्स की मैंने आपसे पहले भी बात की है कि हमारी टीम को ये कोई इख्तियार नहीं था वहाँ बैठ के अदालत लगाए और कहे कि जी मुझे फलाना बंदा तो ट्रांसजेंडर नज़र आ रहा है लगता है. बिल्कुल नहीं. जो कुछ उसने बताया है, इसीलिए मैं सबसे पहला मेरा पॉइंट ये था, इट वाज अ रिस्पोंडेंट बेस्ड. जो आपने बोल दिया लिख लिया, आपने कहा जी मैं अमेरिका का पासपोर्ट है मेरे पास, ठीक है जी. आपने कहा कि जी मैं मेरी 3 बीवी हैं, उसके लिख लिया 3 बीवी. आपने कहा जी मेरे 2 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं, तो ठीक है 12 बच्चे नाम लिखवाते जाए. सो इट वॉज रिस्पॉन्डेंट बेस्ड. अब जो हमें ट्रांसजेंडर नज़र आ रहा है
बोलता वैसे है, चलता वैसे है, शक्ल वैसे है, सारा कुछ वैसे है, बट वी डिड नॉट फोर्स इट बिकॉज ट्रांसजेंडर अभी भी स्टिग्मा है सोसाइटी में. फर्स्ट टाइम है कि ट्रांसजेंडर का कॉलम बना, राइट वो भी 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद फिर हमने इसका एक कॉलम बनाया. अब डिपेंड ये करता है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर नहीं अपने आप को डिक्लेयर करना चाह रहा या उसके पेरेंट्स नहीं डिक्लेयर करना चाह रहे तो ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे. नंबर टू, आपका सवाल है लैंग्वेजेस पे, 70 लैंग्वेजेस, यस वी हैव 70 लैंग्वेजेस, 74 हैं एक्चुअली. पिछले सेंसेस में, उससे पिछले सेंसेस में जो टॉप 8 या 9 लैंग्वेजेस होती हैं वो लेते हैं, इस दफा भी वही किया. और ये एक बंदे की स्वाबदीद पे नहीं होता, ये जो हमारा सेंसेस फॉर्म डिज़ाइन करना होता है ये एक बंदे की स्वाबदीद पे नहीं है, ये एक कमेटी बनती है और इस कमेटी के बेशुमार सेशंस होते हैं. उसमें सारे पाकिस्तान से डेमोग्राफर्स होते हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं और इसमें हमारे को तकरीबन 100 बंदे की कमेटी थी. तो हर फील्ड का अपना एक्सपर्ट आता था, हेल्थ वाला अपना एक्सपर्ट था, ये लैंग्वेज वाला लिंग्विस्टिक्स वाले अपने एक्सपर्ट थे. तो वो सारे के सारे की जब कंसेंसस होती थी फिर ये फॉर्म बनता है और फिर ये फॉर्म गवर्नमेंट से अप्रूव होता है. अब जैसे कुछ बंदे, थोड़े से बंदे होंगे पारसी जैसे, कितनी आबादी होगी पाकिस्तान में, यहूदी कितने होंगे पाकिस्तान में, एक फैमिली, दो फैमिली, 10 फैमिलीज 20 फैमिलीज 50 फैमिलीज, तो वो फिर उनके काम के लिए ना फिर हम एक सर्वे करते हैं. सेंसेस नहीं होता, सेंसेस में तो फिर वो अगर एक कॉलम में हमने 50 या 70 लैंग्वेजेस लिख दी वो फिर पॉसिबल नहीं होता. सो इसलिए हमने देखना होता है, कन्वीनियंस देखनी होती है और जो डेटे की यूटिलिटी देखनी होती है. तो इसलिए ये कोई हमने ऐसी कोई लूप होल नहीं है, सारी दुनिया में यही होता है. नेट पे जाके इंडिया का सेंसस फॉर्म देख लें, अमेरिका का देख लें, बाकियों का देख लें, कोई ऐसी बात नहीं है. दिस इज़ इंटरनेशनल रिसर्च. हाँ जी, इसकी कितने बंदे हैं, एक यार वो तो 0.1% भी नहीं बोलते. अब फिर वो 74 लैंग्वेजेस में फिर मैं सिर्फ वही करूँगा और नहीं करना ना. तो इसलिए ये हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव देखना होता है कि जी वो बंदे ने जाके जब लैंग्वेज पूछनी है उसका टाइम कितना लगना है, तो उसके लिए फिर ये सर्वे करते हैं. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई लूप होल नहीं है, दिस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ द सेंसस. जी बिल्कुल बता सकता हूँ जी. जैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जी पॉपुलेशन तो एक 82% तो पॉपुलेशन पे हो गया, मगर ये अब इकोनॉमिक्स में एक स्टडी भी है, सारा कुछ है कि जितनी पॉपुलेशन कम होगी, एरिया ज़्यादा होगा, उतनी ही कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बढ़ जाती है. कि हॉस्पिटल आपने खोलना है, स्कूल खोलना है, डिस्पेंसरी खोलनी है, बाकी काम करने हैं, राशन डिपो खोलना है, उनको गंदम पहुँचानी है, खाना पहुँचाना है, पेट्रोल पहुँचाना है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. उसको कवर करने के लिए ये फिर एक इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन बनाया हुआ है और ये पर्टिकुलरली इन केस ऑफ बलूचिस्तान बनाया था कि पॉपुलेशन कम है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा. अब लाहौर में आप यहाँ खोल दें तो 10 लाख की आबादी को एक छोटा हॉस्पिटल कवर कर लेगा. बलूचिस्तान में 10 लाख की आबादी को कवर करने के लिए उसे आपको गाड़ी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. उस कॉस्ट को कवर करने के लिए ये इन्वर्स रेशियो जो रखा हुआ है, ये 6 में पहली दफ़ा रखा था, पिछले एनएफसी में पहली दफ़ा रखा था ये.
उससे पहले नहीं था. Primarily political considerations है. आपकी ज़मीन अगर शहर की बाउंड्री से बाहर है, आप सेनेटर हो जाते हैं, MNA हो जाते हैं, MPA हो जाते हैं, आप कहते हैं भी बाउंड्री बाहर ले आओ, मेरी ज़मीन भी शहर के अंदर आ जाए. बात है, यहाँ हमने 2015 में सेमिनार करवाया इस्लामाबाद में. In order to have a uniform definition of an urban area, दो दिन की कॉन्फ्रेंस थी, कोई डेफिनेशन नहीं निकल सकी. सो प्राइमरली ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, उसमें सारा कुछ ही आ जाता है, पोलिटिकल कन्वीनियंस भी आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशेंसीज भी आ जाती हैं. अब टाउन कमेटीज़ पंजाब में ख़त्म हो गई हैं, क्यों की हैं आपको पता है? नहीं ना पता. टाउन कमेटीज़ ख़त्म कर दी हैं, 42 टाउन कमेटीज़ ख़त्म कर दी हैं कामों की, और मुरीद के तो दो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ. अंदर की बात क्या है, अब मैं आई विल रिफ्यूटेड, मगर अंदर की बात ये है कि ये उनसे ये रह गया था जब ये काम कर रहे थे ना, तो ये टाउन कमेटीज़ रह गई थी जो बाबू लोग मेरी तरह के वहाँ काम कर रहे थे, उनसे रह गई थी बस. ठीक, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशेंस, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है. और उनको अब क्या किया है, उनको अर्बनाइज्ड यूनियन काउंसिल बना दिया है. सो देर इज़ नो मेथड इन द मैडनेस एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न कि जी कितने का. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप रिसर्च करें, आप हमारा डेटा लें, आप कहें जी मैं 5,000 की आबादी जिसमें स्कूल भी है, जिसमें बिजली भी है, वो मैं अर्बन कहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, कर लें, वो अर्बन हो जाएगा. बट जब आप अपनी स्टडी करेंगे, उसका मेटा डेटा भी तो देंगे ना कि जी ये मेरी डेफिनेशंस हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 50% अर्बन है. फाइन, मैं तो आपसे पहले ही शेयर कर रहा हूँ कि जी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री हमने ली है जो कि नोटिफाइड हैं, भले वो मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट के DG ने की है, वो कंटोनमेंट्स की वो नोटिफाई करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी करता है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपनी करता है. सो जिसने भी की हुई है ठीक, तो ये अपनी मर्जी की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, या जो हूएवर इज ऑथराइज टू डू दैट. देखें, डिसेबल्ड का जब ये फॉर्म्स हमारे प्रिंट हुए तब ये डिसेबल्ड का इशू नहीं था. ये फॉर्म्स हमारे मशीन रीडेबल फॉर्म्स, कोई 35-40 मिलियन फॉर्म्स, सॉरी 45 मिलियन फॉर्म्स प्रिंट हो चुके हुए थे जब ये रेज इशू किया गया कि ये डिसेबल्ड को भी करो. तो जनरली या तो पहले हम कर लेते. अब जैसे मैंने कहा कि वो जो फॉर्म की कमेटी थी, सेंसस कमेटी थी, उन्होंने तब ये काम नहीं किया. सेंसस के क्वेश्चनेयर में दो किस्म के सवाल होते हैं. एक कोर क्वेश्चंस होते हैं विच आर द नंबर ऑफ पीपल, मेल फीमेल एजुकेशन, जो कि मैं अगर 1881 का सेंसस भी निकाल के देखूं तो वो सवाल होंगे. एक तो वो कोर क्वेश्चंस हो गए जिनको मैंने कंपेयर करके आगे चलना है. फिर साथ साथ एज वी गो अलॉन्ग एडिशनल क्वेश्चंस आर एडेड. वो टाइम सीरीज डेटा नहीं बनता, मगर वो एडिशनल क्वेश्चंस आते जाते. तो ये बाद में एक ख्याल आया, उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था सेंसस से कोई 2-4 महीने पहले कि आप डिसेबल्ड को भी करें. उसका तरीका उसका
उसका मैं आपको इफ़ा में फिर उसका तरीका ये होता है कि एक बाद में सर्वे करते हैं, वो सर्वे हमने प्लान किया हुआ है, उस सर्वे में फिर हम जाएंगे। सेंसस तो हो गया ना कि एवरीबडी हैज़ टू बी काउंटेड। सर्वे में मैं सैंपल लूँगा, जितने बंदे बैठे हुए हैं इनका मैं सैंपल ले लूँगा, सैंपल को फिर मैं सारे इस पर प्रोजेक्ट कर दूँगा। वो एक स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं जो कि बिल्कुल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। तो वो जो हमारा फॉर्म, हम उसे 2A कहते हैं, वो फॉर्म्स हमारे पास तैयार हैं कि जैसे ही हम इसका रिज़ल्ट दे देंगे, वी विल गो इन फॉर सर्वे ऑफ डिसेबल्ड और अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और मोर्टैलिटी रेट। ये चार चीज़ें हैं जो हमारी उस सर्वे में आएंगी और कवर होंगी। दे आर वेरी मच ऑन द कार्ड्स। ये हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हमारा ये काम ख़त्म हो जाए तो वी डू दैट। ये जैसे ही काम ख़त्म होता है उसके हम इस वक्त फाइनल कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स। मेन या लार्जर सिटी होती है लाइक प्रोविंस पंजाब में लाहौर को अगर हम देखें तो उससे जो लीग सिटी है उनकी जो फर्स्ट लीग सिटी होगी उसकी पॉपुलेशन उससे 1% होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से कसूर को और उसका डिस्टेंस 7200 किलोमीटर होना चाहिए, तो अगर हम इसको देखते हैं तो लाहौर की 11 point something मिलियन है लड़की, और इसी तरह अगर इसके साथ भी तो हम कसूर को कहते हैं तो कसूर की 3.13 million है, गुजरावाला में जाते हैं तो वहाँ पर 3.43 मिलियन आ रहा है। तो इन सब की पॉपुलेशन जिपॉक फिर बैठती नहीं है, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि अपनी सिटीज़ की डिमार्केशन चेंज करनी चाहिए, कुछ उन सिटीज़ की जो बाउंड्रीज हैं उनको लाहौर के कसूर है कसूर और लाहौर के एग्जाम्पल हैं, तो हमें कसूर का कुछ लाहौर का कुछ कसूर के अंदर वो इन्वॉल्व कर देना चाहिए, या इसका क्या कर सकते हैं आप इसका इसको आप अपनी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2017 को किस तरह आप इसको लागू करेंगे। देखिए जिप लॉग जो आप बात कर रहे हैं दैट इज़ वन वे, एक तरीका है जो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन के। जी मैंने सेंसस नहीं करवाया, 8 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, तो उसकी आबादी कितनी है जी, 1/3 होनी चाहिए लाहौर की, फाइन। मैं तो आपको एग्जैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ। अब नाउ आई डू नॉट हैव टू कन्फर्म टू जिप लॉग, जिप लॉग विल हैव टू कन्फर्म टू द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल जो के आपको हम ऑन ग्राउंड हर एक बंदा गिन के दिया है। अब देखिए ना, आप तो एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, मैं तो एस्टिमेशन की बात ही नहीं कर रहा। अब अगर नहीं उसमें बैठ रहा तो आपके उस फार्मूले में गलती है, मेरे फार्मूले में गलती नहीं है, मेरा तो फार्मूला ही कोई नहीं है। मैंने ज़ैद उमर बकर सबको गिना है, मेरे पास हर बच्चे का, आपके हर बच्चे का, आपकी बीवी का, बेगमात का, सबका नंबर मेरे पास है। आपके घर जाके आपका शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने लिया है। देखे ना, अभी मेरी तो प्रोजेक्शंस नहीं है, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्शंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्शंस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। 5 साल बाद, 7 साल बाद जब आपने कहने कि जी कसूर की आबादी क्या है, फाइन वील टेक योर फार्मूला बट नॉट नाउ। अभी तो मैं आपसे आप बात ही दूसरी कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, तो हमारा आपका तो कोई डायलॉग नहीं हो सकता ना कि मैं वाई शुड आई कन्फर्म टू जिप लॉग, बताए ना कि मैं क्यों कन्फर्म करूँ जिप लॉग में। मैं तो वो एक तो एक एस्टिमेशन का तरीका हो गया ना, मैं तो आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ कि ये फलाने घर में फलाने बंदे हैं, इस ब्लॉक में इतने बंदे हैं, इस मोहल्ले में, इस तहसील में इतने बंदे हैं। मेरे कहने का मकसद यही था कि इसको अबाउट 70 कंट्रीज जो हैं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसके मुताबिक अपनी डिमार्केशंस को चेंज करना चाहिए
या फिर हमें हम में से कोई कोई भी शख्स उसके इस जिप लॉ को इसको काउंटर कर दे, कोई ऐसा आर्टिकल लिख दे आपने इस पॉपुलेशन सेंसस के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ कि जिप लॉ कहाँ से कोई एक कानून हो गया कि आई हैव टू कन्फर्म टू दैट और उसके मुताबिक मैं अपनी बाउंड्री चेंज करूँ। देखिए ना, उसका स्टेटस क्या है, इज़ इट अ लॉ? एक अरेंजमेंट है ना, एक स्टडी है कि जी इसके मुताबिक होना चाहिए, एक एक फंक्शन है कि ये इसका 3 होगा तो उसका 1 होना चाहिए, एक फंक्शन हो गया ना, फंक्शनल रिलेशनशिप आ गया। अब आई एम नॉट बाउंड बाय दैट फंक्शनल रिलेशनशिप, अगर तो मैं उस पर बाउंड हूँगा तो फिर तो दुनिया तरक्की नहीं कर सकती कि जी यही फंक्शन है तो इसी पे आगे चलो। तो वो आप एडमिनिस्ट्र अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर लें, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का कोई प्रिंसिपल नहीं है, वाकफियत की बात है। मेरा दोस्त है, उसकी ज़मीन गुजरात के बाहर आ रही थी, वो 4-5 उसने अपने काउंसलर्स इकट्ठे किए, अपनी ज़मीन गुजरात शहर के अंदर ले आया। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, यू बीन अ गुड ऑडियंस और आई होप के ये जो बातें की हैं ये कोई ब्लैंक शीट नहीं होगी, इसमें आप अपने लेवल पे कोई डायलॉग शुरू करेंगे, कोई पूछेंगे यार 30 साल में आबादी हमारी डबल हो गई तो हम बंदों को पूरा कहाँ करेंगे, स्कूल कहाँ से आएंगे, खाना कहाँ से देंगे? क्योंकि पिछले आप सिंपल सी बात है, पिछले 5 साल से हमारी वीट की ग्रोथ क्रॉप है 26 मिलियन टन्स, 26 मिलियन टन्स को मैं 52 मिलियन टन्स कहाँ से लेके जाऊँगा 30 इयर्स में? हैं जी, कॉटन की क्या यार, कॉटन में खाता तो नहीं है, खाना तो मैंने गंदम ही है ना। यार फॉडर की बात अलहदा है, मैं तो गंदम खाने की बात कर रहा हूँ। यार डॉलर की मैं नहीं बात कर रहा, मैं तो अपने घर की बात कर रहा हूँ, घर में मैंने रोटी कहाँ से देनी है? वी आर टॉकिंग अबाउट 425 मिलियन पीपल, 26 मिलियन से मैं बढ़ नहीं रहा गंदम में, 26 से मैं 30 हो जाऊँगा अगले 30 सालों में, जगह मेरी वही है, पानी मेरे पास है कोई नहीं है, कहाँ से मैं गंदम लाऊँगा? देखो ना, हम तो अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं ना, बच्चे भी पैदा करी जा रहे हैं और सारा काम करी जा रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ व्हाई आई एम आस्किंग कि जी वी नीड इट, इट इज़ अ नेशनल क्राइसिस एंड नोबडी इज़ कंसर्न, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, किसी ने बात नहीं की, गवर्नमेंट ने बात नहीं की, एनजीओ, आईएनजीओ, सिविल सोसाइटी, कोई वेल फारक, थैंक यू।